खेल, राजनीति, मनोरंजन और अपराध से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर, बुलंदशहर से 23 जनवरी को बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन मनाया गया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर के शिवसेना अध्यक्ष सर्वेश राणा ने बताया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन सभी कार्यकर्ताओं ने आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जिला कार्यालय पर मनाया। सर्वेश राणा का कहना है कि बाला साहेब जैसा व्यक्ति न तो कोई होगा और न ही अभी तक हुआ है, और इसी के साथ बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व और राष्ट्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे जो हमेशा समाज की भलाई के लिए जाने जाते हैं। मेरा नाम सर्वेश राणा, जिला अध्यक्ष शिवसेना बुलंदशहर। सबसे पहले हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहेब ठाकरे जी के चरणों में नमन करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी के चरणों में नमन करते हुए, युवाओं की धड़कन और युवाओं के चहीते आदित्य साहब ठाकरे जी के चरणों में नमन करते हुए, आज 23 जनवरी बाला साहब ठाकरे जी की जयंती है, उसी जयंती को हम बड़े खुशी से मना रहे हैं। ऐसे बाला साहब ठाकरे जी थे जिन्होंने समाज में सेवा और भाव से अपने हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दिल में एक जगह बनाई। ऐसे व्यक्ति ना कभी होंगे। बाला साहब ठाकरे जी हमारे समाज, हमारे हिंदुत्व, हमारी सेवा, हमारी भाव के ऐसे व्यक्ति थे कि उन जैसा व्यक्ति जीवन में नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति की आज हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और पुष्प चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अच्छा सरदेव जी, आपने अपनी साथ में विधानसभा पे कैंडिडेट उतारे हैं, किन मुद्दों को लेकर कैंडिडेट आपके आए हैं जनता के? आज हमने 3 पे उतारे हैं, सिकंदराबाद, दिवाई और आपका अनूपशहर। हमारे मुद्दे कुछ नहीं है, मुद्दा सिर्फ एक है हमारा कि 80% समाज की सेवा करके हम समाज के बीच जाएं। जो लोग हमारे कर्मठ थे, जो कार्य करने वाले थे, ऐसे व्यक्ति को हमने खड़ा किया है। पूर्व में जो पार्टियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने सिर्फ मलाई खाई है। सत्ता में जीत कर वो एसी और कूलर में बैठे हुए हैं। किसी भी जनता का, किसी भी ऐसा व्यक्ति का, किसी भी गरीब व्यक्ति का उन्होंने ना सुना है और ना किसी को देखा है। आज हमारी लड़ाई है समाज को लेकर, एक शिक्षा देना, एक स्वास्थ्य जो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी को मिलना चाहिए, इस पर हमारी लड़ाई है। दूसरा, जो देश में कोरोना में आहत लोग हुए हैं, जो मरे हैं, जिनकी वजह से कोरोना में रोजगार नहीं है, भूखे लोग मर रहे हैं, ऐसे लोगों के मुद्दे को लेकर, ऐसे लोगों की आवाज़ को लेकर हम शासन और प्रशासन से लड़ेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उनको न्याय दिलवाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम आज चुनाव में उतरे हैं। और हम अभी तो हमारी झांकी है, 2022 हमारी झांकी है, असली टेलर हमारा 2027 होगा। 7 विधानसभा क्या पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव शिवसेना लड़ेगी, हिंदुत्व को लेकर समाज के बीच जाएगी, घर घर प्रत्येक शिवसैनिक जाएगा और हर घर से एक शिवसैनिक मांगेगा। यही बाला साहब ठाकरे जी की नीति थी, यही उन्होंने हमें आदेश मिले हैं।